हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 12-25 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 1-11 क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ये वीडियोस डियर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखेंगे तो हमने पूरी 12th के मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई वीडियोज जो है वो नहीं मिलती है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों कन्वीनियंस के लिए उस प्लेलिस्ट की तरफ जाएं। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर जो है वो लाइन वाइज मिलेंगे, एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये कुछ वीडियोस हैं उनमें कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं या कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको रीलोड करें। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो वीडियोस में क्वालिटी इश्यूज हैं आप लोगों को, उनको भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रीलोड किया जाए। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 12-25। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो डियर, हम इस कंसेप्ट को तो समझ ही चुके हैं कि जब भी आपके पास ऊपर वन हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मुलेज बन जाते हैं वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिक करना होता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है। तो आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर आगे माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। यहाँ पे हमने किसी का साइन चेंज नहीं करा, बट पोजिशनिंग करी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पहले पावर टू देन पावर वन देन पावर जीरो वाली चीजों को रिप्रेजेंट करा जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। अब हमने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, माइनस वन भी नहीं। तो हमने यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं डियर, हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, सिक्स। सिक्स का हाफ करेंगे तो थ्री, थ्री का होल स्क्वायर, एक्स वाली टर्म के बाद एड और बिना एक्स वाली टर्म के बाद माइनस कर दीजिए। बेसिकली ये कैंसिल आउट इफेक्ट है, बट हम लोग कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर आपने थ्री का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये आपके पास बन गया एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और ये सेवन माइनस नाइन, ये आपके पास हो गया सिक्सटीन। नाउ आपको पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के बाद कहीं पर भी आपके काम का नहीं है। तो इसीलिए खास तौर पर 12th में तो कहीं पर भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लेकर आना, तो आपने कोशिश करनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करना है। तो हम ये माइनस वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव होकर आगे हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो आपने इसी को एडजस्ट करके ये लिया है। देखिए डियर, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जब आप कट वर्ट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास, पर हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया है। तो आप इसकी जगह आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले पहले आइडेंटिटीज को याद करिए, उन आइडेंटिटीज को दो बार लिखिए और फिर एक्सरसाइज करने बैठिए। और जब भी आप ये एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला जरूर मेंशन करें, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो आपको अलग से बहुत ज्यादा मेमोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। किस चीज ने एक्स की जगह ली है, एक्स प्लस थ्री ने, उसका डेरिवेटिव दैट इज वन। वो अगर हम इसके नीचे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वन है, अगर कोई और नंबर होता तो फिर हमें जरूर लिखना पड़ता। सेम क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया। सेम वही फंडा, हमें इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए जो कि यहाँ ऑलरेडी है, तो हमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। नाउ बी की वैल्यू थ्री, तो थ्री ऑफ हाफ दैट मीन्स थ्री बाय टू, थ्री बाय टू का होल स्क्वायर एक्स वाली टर्म के बाद एड और बिना एक्स वाली टर्म के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टू एज इट इज दैट इज नाइन बाय फोर। इसको हमने सॉल्व करा तो ये माइनस वन बाय फोर आ जाएगा। बस अब आपने इसको ये एडजस्ट किया है तो इसकी जगह पर आप ये रिप्लेस कर दीजिए। बस वन बाय फोर को आप क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आ गई वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होती है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और x की जगह किसने ली है, प्लीज इसे जरूर याद रखेंगे, x की जगह इसने ली है तो इसका डेरिवेटिव लीजिए। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 3 by 2 का 0। जरूर चेक करिए। आप कहेंगे मैम अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि हर बार 1 आ रहा था, तो हर बार 1 नहीं आता डियर, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप ये छोटी सी बात इग्नोर करने की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग हैबिट बनाइए कि एक्स की जगह, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला सिखाया गया है वो इसका सिखाया गया है,
ए तो एक कांस्टेंट है, ए की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, बट एक्स की जगह अगर कोई भी चीज होगी तो उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो फिलहाल यहाँ डेरिवेटिव 1 है, उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कोई बिग डील नहीं है। अब आपका आंसर यहाँ पर भी छूट सकता है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो डियर देखिए, ये जो चीज थी ये आपने प्लस माइनस, अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ना अभी दोबारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही चीज आ जाएगी आपके पास। तो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि आपको ये लिख रखा है, और ये चीज किसके इक्वल थी, इसके। तो इन्होंने इसको वापस यही चीज मेंशन कर दी। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट आप अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी कॉमन वगैरह रूट के बाहर नहीं लिया तब, ध्यान रखिएगा आपने रूट के बाहर नहीं लिया तब, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरा इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल थी, तो ओरिजिनली आपने क्या करा, इसको वापस ये लिख दिया। तो अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो ये आंसर आपको मिल रहा होगा, बट फिलहाल आपका ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आप इसे सॉल्व करते तो यही आ जाता आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, सिमिलर पैटर्न है जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा 3x+8। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x-8। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 बना लिया, हाफ बाय बी का होल स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी है, 3, इग्नोरिंग द साइन बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 3/2 का होल स्क्वायर वो आपने वेरिएबल वाली टर्म के बाद ऐड और कांस्टेंट वाली टर्म के बाद माइनस करना है। नाउ ये आइडेंटिटी खुल जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 8, दैट इज 9/4। इसे सॉल्व करेंगे 32-9, दैट इज -41/4। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने बाहर नेगेटिव ले रखा है और रूट है, रूट नहीं होता फिर कोई टेंशन नहीं है, माइनस 1 बाहर ले लेते, लेकिन रूट के अंदर अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को वापस मल्टीप्लाई करिए तो ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अब आप इसकी जगह ये सब्सिट्यूट कर सकते हैं, रूट 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें तो ए स्क्वायर बनाना है ना इसे। नाउ 1/√a² - x² दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसे हमने सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लिया, दैट इज 2x - 3/2 √41/2। तो 2 से 2 कट गया डियर और आपके पास ये एक्सप्रेशन रह गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, x की जगह फॉर्मूले में किसने लिया, उसका डेरिवेटिव, दैट इज 1। चेक जरूर करना है, अगर 1 के अलावा कुछ आएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 भी है तो उसी कैटेगरी का, पर थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है डियर। सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करा, जैसे कि इससे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, तो ये आ जाएगा x² - ax - bx + ab, राइट। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर है और इसमें से x कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा a + b + ab। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिक करी, अब हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो कि ऑलरेडी है, देन हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, राइट। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, दिस वन, तो a + b/2 का होल स्क्वायर। तो यही चीज हमने देखी यहाँ पर कर रखा है, एक्स वाली टर्म के बाद एड और बिना एक्स वाली टर्म के बाद माइनस। नाउ ये तो बन जाती है आपकी आइडेंटिटी, दैट इज a² + b² - 2ab। तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज यहाँ पर हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी, नीचे 4। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, हो गया 4ab। ये जैसे ही नेगेटिव आएगा तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये एज इट इज चल रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ ये आपके पास आ गया 4ab - 2ab, इट्स 2ab। तो बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी बची -a² - b² + 2ab। तो आपको पता है -a² - b² तो नहीं होता, a² + b² + 2ab आइडेंटिटी है, या फिर a² + b² - 2ab आइडेंटिटी है। तो हमने उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया आपके पास, और 4ab जो था, हाँ जी डियर, तो यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 2ab हमारे पास प्लस का आया था। तो ये a - b की आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी, a - b का होल स्क्वायर। नाउ अब आपके पास इसकी जगह आप ये सब्सिट्यूट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया ना, a² + b² - 2ab, और ये माइनस आपका यहाँ आ गया, ये बन गया a - b/2 का होल स्क्वायर। नाउ आपने इसको एडजस्ट करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया, तो इसकी जगह आपके पास ये सब्सिट्यूट कर दीजिए, राइट। अब आपके पास 1/x² - a² ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x + √x² - a², राइट। अब आपके पास ये एज इट इज, इसको आपने जो एडजस्ट किया था इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, देखिए इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था आपके पास, दिस वन, और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था आपके पास,
जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप वापस ये रख सकते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इसकी जगह वापस ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ओपन वगैरह करेंगे और सॉल्व वगैरह करेंगे तो वापस आपके पास ये आ जाएगा। तो डियर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास एक कैटेगरी थी जिसमें न्यूमरेटर आपके पास 1 होता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है, और हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 16 से एक सेकंड कैटेगरी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा, इस कैटेगरी में क्या होता है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उसके कोफिशियंट डिफर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन में तो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लें तो बिल्कुल सेम है। जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको और कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसमें इस तरीके का आपको फंडा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसमें नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है लेकिन कोफिशियंट डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो बनता है 6x+2, तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो चल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिफर है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन लग भी रहा है और थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स अलग है, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए कि कॉन्स्टेंट एकदम सेम हो जाए, हम क्या लगा सकते हैं वहां पर, ये वाली फॉर्म जो हम आपको बताएंगे। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिना इस फॉर्म के भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज 4x+1, तो डायरेक्ट आप इसे टी पुट कर दीजिए और ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो ये बच जाएगा 1/√t dt/4x+1, तो ये कट जाएगा। 1/√t को आप क्या लिखेंगे, t^-1, और उसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो यहां पर तो कोई जरूरी नहीं है आपके लिए फॉर्म लगाना, लेकिन हमने ये फॉर्म सिखानी है इसलिए आपको ये बताया, आपको ये भी बता दिया कि ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट ना लग रहा हो, सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही हो कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लेने पर जो कॉन्स्टेंट्स है वो डिफरेंट चल रहे हो, तब ये कैटेगरी अप्लाई करी जाती है। इसमें क्या करा जाता है, न्यूमरेटर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक विदाउट रूट, रिमेंबर दिस थिंग, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू ए प्लस बी, नाउ टेक डेरिवेटिव 4x+1 ए प्लस बी, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो x का कोफिशियंट है 4a, यहाँ पर x का कोफिशियंट है 4, इसका मतलब 4a इक्वल टू 4, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, बिना x वाली टर्म a प्लस बी, यहाँ पर बिना x वाली टर्म प्लस 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 ऑन कंपैरिजन, राइट। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आपने क्या करना है, जो न्यूमरेटर था उसकी जगह आपने ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो मैच करे, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी मैच कर रहा था तो इसलिए आपको बी जीरो मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे और क्वेश्चंस में जब हम ये चीज देखेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 0, इसकी जगह आप ये लिख देखिए 4x+1 ए की वैल्यू प्लस 0 अपॉन में ये, नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करते हैं, फिलहाल जीरो है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस अपॉन दिस, तो वापस आपका वही क्वेश्चन आ गया जो था। अगर आप देखेंगे तो जो हमने स्टेप किया वो वेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव चल रहा था, बट स्टिल हम आपको वो कंसेप्ट समझाना चाहते थे इसलिए हमने आपको करके दिखाया। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, अब वही होगा, हम इसे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपको स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था। अगर आप इसे टी लेट कर लेते हैं तो 4x+1 इसका डेरिवेटिव चल रहा है ना, 4x+1 एज इट इज, दिस इज √t dt/4x+1, ये से कट जाएगा। 1/√t को आप क्या लिख सकते हैं, t^-1/2, क्योंकि इसका मतलब है t^2, और इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो t^-1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन t^-1/2 upon -1/2, दिस इज बिकम हाफ और ये हाफ, ये हाफ ऊपर जाके 2 हो गया t। अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद भी रख सकते हैं कि 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√t होता है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के इंटीग्रेशन याद करने से। तो टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है डियर। चलिए और देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो खैर आसान है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक चल रहा है, तीन टर्म वाला क्वाड्रेटिक नहीं चल रहा, दो टर्म वाला क्वाड्रेटिक चल रहा है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है आसानी से। आप कर दीजिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा, तो दिस अपॉन दिस, इसका करा तो 2 बाहर आ गया, ये इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि 1/x²-a² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं डियर, जो हमने इसी एक्सरसाइज में सीखी है, दैट इज log(x+√x²-a²), इसको हमने ले लिया i1। यहाँ पर क्या, अगर आप इसे टी लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव चल रहा है, कॉन्स्टेंट में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो ही टर्म है ना आपके पास, टी एज इट, टी को हमने लिया x²-1, इसका डेरिवेटिव दिस 2x, x एज इट इज दैट इज √t dt/2x, x से x कैंसिल आउट हो गया,
वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, टू से टू कट गया, टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, जो आपका आई वन का आंसर आया उसे हमने यहाँ रख दिया और बाकी तो आपके पास था ही प्लस सी, दैट इज योर आंसर, राइट। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, ये आपको दे रखा है डियर। तो इसमें तो खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली फॉर्म डेफिनेटली लग रही है, आप इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लेंगे तो 6x plus 2 होना चाहिए, बट न्यूमरेटर में चल रहा है 5x minus 2, तो सिर्फ एक ही इशू है कि कांस्टेंट डिफर है, अगर ये कांस्टेंट सेम हो जाते तो थोड़ा आसान हो जाता, तो कुछ एडजस्टमेंट्स अगर हम कर दें प्लस टू माइनस टू फिर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके की कुछ चीजें करी जाती हैं, उससे भी आप इसका जो चेंजेस हैं वो 6x plus 2 में कर सकते हैं, बट कौन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। तो डायरेक्ट आपके पास ये तरीका है जिसके तरीके से जो न्यूमरेटर है उसमें इसका डायरेक्ट क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है। तो क्या करना है आपने, दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू ए प्लस बी, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x2 का डेरिवेटिव 6x, ठीक है, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, x वाली टर्म को पहले बिना x वाली को पीछे। नाउ ऑन कंपैरिजन x का कोफिशिएंट है 6 से, x का कोफिशिएंट है 5, तो 6 से इक्वल टू 5, a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6, बिना x वाली टर्म है 2a plus b equal to minus 2, नाउ a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5/6, इसको सिंप्लीफाई करा ये वहां चला गया तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -11/13। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट हो जाती है आपके पास, 2 plus 6x है या 6x plus 2 a की बात है, तो हमने वो लिख दिया, a की वैल्यू b की वैल्यू माइनस में थी वो रख दी, अपॉन में क्वाड्रेटिक को भी ठीक करके लिख दिया 3x² plus 2x plus 1। नाउ अब जब ये फॉर्म बन जाती है ना उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे 5/6 बाहर आ जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है ये रहेगा, और जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे -11/3 बाहर आ गया और ये आ गया, यहाँ पर सब्सिट्यूशन लगेगा डियर और यहाँ पर लगेगा वही वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि आपने इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में सीखा। तो इसे आई वन ले लेते हैं, इसे आई टू, क्योंकि दोनों पे बिल्कुल अलग तरीके की एप्लीकेशन है, 5/6 आई वन -11/3 आई टू। चलिए आई वन देखते हैं, आई वन में अब देखिए हमने इस तरीके से कर दिया है कि ऊपर डेफिनेटली इसका प्रॉपर डेरिवेटिव चल रहा है, तो आप इसे टी लेट कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x plus 2, आप देख सकते हैं, तो ये एज इट इज, ये हो गया आपके पास टी डी टी अपॉन दिस, ये कट गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास लॉग टी प्लस सी, टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, ये आपके पास आई वन की वैल्यू आ गई। आई टू की बात करें तो ये तो मेरे बच्चों को अब समझ आ ही चुका होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बिकॉज न्यूमरेटर में वन है, तो ये फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर 2/3x प्लस 1/3, देन हम क्या करते हैं 1/2 by b का होल स्क्वायर यानी इसका हाफ, तो 1/2 of 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 1/3, तो एक्स वाली टर्म के बाद 1/2 1/3 का होल स्क्वायर एड और इसके बाद माइनस, तो ये तो डियर आप लोगों की बन गई आइडेंटिटी, दैट इज a² + b² + 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये 1/3 - 1/9, तो इसका एलसीएम लेकर आपके पास आ जाएगा 2/9। अब आप इस एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा 1/3 बाहर आ जाएगा आपका कॉमन, तो ये कॉन्स्टेंट है, 1/x² + 2 को हमने लिख दिया √2 और 9 को हमने लिख दिया 3, नाउ दिस इज 1/x² + a² किसकी आइडेंटिटी होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इसमें एलसीएम ले लिया 3x + 1/3 अपॉन में √2/3, 3 से 3 कट गया आपके पास रह गया tan इनवर्स 3x + 1/√2, तो आपके पास आई वन की वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर दी, आई टू की वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर दी, आपका आंसर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेम वही चीज है डियर, इसमें नीचे आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर डेरिवेटिव चल तो रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ कोफिशिएंट डिफर है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 6x plus 7 को बनाने की कोशिश करेंगे उसका डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू a plus b, नाउ द डेरिवेटिव इज 2x minus 9 into a plus b, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब आप a का कोफिशिएंट है यहाँ 2a और यहाँ है a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 6, तो 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, बिना x वाला कोफिशिएंट इट्स -9 + b और यहाँ पर +7, तो -9 + b इक्वेट हो गया 7 से, a की वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू आपके पास आ गई 34। अब 6x plus 7 की जगह हम ये पुट करेंगे और a और b की वैल्यू भी डालेंगे, तो देखिए 2x minus 9 a plus b, तो a की वैल्यू डाल दी हमने, b की वैल्यू डाल दी हमने, उसके बाद सेम this upon this, जब आप this upon this करेंगे 3 को बाहर ले लीजिएगा, this upon this करेंगे तो 34 को बाहर ले लीजिएगा। अब यहां पर इसको i1 ले लेंगे, इसको i2,
सेम वही फॉर्मेट है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा और यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आई वन हमने लिया, इसको हमने टी लेट कर लिया, 2x-9 डी टी अपॉन, ये पक्का पक्का आएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया आपके पास, राइट। नाउ इसको ले लीजिए, इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ले लीजिए, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो हाफ बी की वैल्यू कितनी है, 9, तो हाफ इनटू 9 का होल स्क्वायर, तो 9/2 का होल स्क्वायर एक्स वाली टर्म के बाद ऐड कर दिया, बिना एक्स वाली टर्म के बाद माइनस कर दिया। नाउ ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको हमने सॉल्व करा तो ये आ रहा है डियर आपके पास -1/4। बस अब आप इसकी जगह ये रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए नाउ ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास, 1/√x2-a2, दैट इज log x प्लस √x2-a2। अगर आपने कुछ भी कॉमन बाहर नहीं लिया है तो इसका ओरिजिनल फॉर्म आप पुट कर सकते हैं, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x की जगह इसने लिया है, इसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलेंगे, दैट इज 1, राइट, जो कि फिलहाल 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक्स प्लस 2/√4x-x2, सेम फंडा है आपके पास, यहाँ पर आप दिस अपॉन दिस ना कर नॉर्मल डेरिवेटिव लीजिए। क्यों, इससे पहले वाले में हमने ऐसे क्यों करा, क्योंकि डियर देखिए वहां पर क्या था, x2-1, वहां पर ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 0, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स वाली टर्म्स चल रही हो तो फिर तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना ही चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 = डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इंटू ए प्लस बी, 4 इसका डेरिवेटिव -2x, a से अंदर इंटू कर दिया, -2ax एज आगे 4a प्लस बी। नाउ x का कोफिशियंट है -2a और यहाँ x का कोफिशियंट है 1, तो -2a = 1, a की वैल्यू आ गई -1/2, बिना एक्स वाई वाली टर्म है 4a प्लस बी और यहाँ पर बिना एक्स वाई वाली टर्म है 2, a की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, ये आपके पास आ गया -4/2, दैट इज 2, b की वैल्यू डियर आप लोगों के पास आ गई 4, a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि x प्लस 2 की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और a और b की वैल्यू भी डाल देंगे इसके अंदर, देखिए ये वैल्यू डाल दी हमने। नाउ दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और ये हो गया, और ये 4 बाहर आ जाएगा और ये आ गया। अब आई वन और आई टू ले लीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा और यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। तो इसको हमने ले लिया, हमें पता है कि हम इसको टी लेट करेंगे ये एज इट इज और हमारा डेरिवेटिव यही एज इट इज आएगा, तो ये इससे कट गया, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, ठीक है, टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन थोड़ा याद रख लेंगे तो आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। चलिए अब आपके पास ये वाला आ गया आई टू पार्ट, इसमें हमें क्या करना है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये -x2+4x है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हम लोग आपको तरीका सिखाते हैं। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया -4x, फिर हाफ इंटू बी का होल स्क्वायर, बी इज 4, तो हाफ इंटू बी यानी हाफ इंटू 4, 4 का हाफ 2, 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a² + b² - 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज 2 स्क्वायर। प्रॉब्लम, नेगेटिव रूट नहीं जा सकता, आपको ये नेगेटिव रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नेगेटिव का हो जाएगा ये पॉजिटिव का, तो इसको आगे लिख दिया इसको पीछे, बस अब आप इसे पुट कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 1/a² - x2, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन इन वर्स एक्स बाय ए, और x की जगह पर जो चीज है उसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा। आई टू और आई वन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए, जैसा कि हमने सब्सिट्यूट करा, आपके पास आपके इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, आप हर क्वेश्चन को मत देखिए, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो देखिए सेम क्वाड्रेटिक है, ऊपर अगर हम बात करें तो उसका डेरिवेटिव चल रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स अलग है, कोफिशियंट्स अलग है, तो सेम वही x+2 = डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू ए प्लस बी, ए से अंदर, सॉरी पहले डेरिवेटिव ले लिया 2x+2, फिर a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2ax + 2a + b। नाउ x का कोफिशियंट 2a, x का कोफिशियंट 1, तो 2a = 1, a की वैल्यू हाफ, बिना एक्स वाई वाली टर्म है 2a + b, दैट शुड बी इक्वल टू 2, अगर हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हाफ डाली हमने, तो यहाँ पर 2 से हाफ कट जाएगा 1, वहां जाके माइनस हो गया, b की वैल्यू आ गई। बस अब आपने क्या करना है, x प्लस 2 की जगह इसको रखना है, तो ये रख दीजिए,
ए और बी की वैल्यू के साथ, तो ए की हाफ और बी की दिस। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज वन अपॉन दिस। सेम वही, आप इसको आई वन लेंगे, इसको आई टू लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ कम्प्लीट स्क्वायर। तो आई वन को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, हमें पता है कि हम इसे टी लेट करेंगे, ये एज इट इज होगा और इसका डेरिवेटिव ये ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बनाया ही इस फॉर्म में ऐसा होता है, तो ये इससे कट जाएगा डियर। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिएगा। चलिए आई टू सॉल्व कर लेते हैं, I2 क्वाड्रेटिक है तो हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो कि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b बाय हाफ ऑफ b का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ b, b इज 2, राइट, x का कोफिशिएंट होता है b, हाफ ऑफ b, तो हाफ ऑफ 2 इज 1, 1 का होल स्क्वायर x वाली टर्म के बाद एड, बिना x वाली टर्म के बाद माइनस। ये बन गया डियर आप लोगों का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर एंड दैट इज बिकम 2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 को हमने लिख दिया रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चीज इसी चीज के इक्वल है, राइट, हमने कुछ कॉमन तो नहीं लिया ना, अगर हमने कॉमन लिया होता तो हम नहीं लिख सकते ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, बिल्कुल सेम चीज इसी की जगह पर ये रिप्लेस आप कर सकते हैं, तो हमने ये रिप्लेस कर दी। सबसे जरूरी चीज, x की जगह फॉर्मूले में किसने ली है, उसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वो भी सेम है, आपको यही करना है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इनटू ए प्लस बी, राइट, और होपफुली अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे और आप बार 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 एक ही चीज को देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक क्या था और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास x plus 3 equal to derivative of quadratic into a plus b. Now this is 2x minus 2a. A को अंदर into कर दिया, x का coefficient है 2a, यहाँ पर x का coefficient है 1, तो a की value आपके पास आ गई half, राइट, चलिए, और ये आपके पास यहाँ पर आपने वैल्यू डाल दी, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास बी की वैल्यू आ गई 4। नाउ आपको पता है कि इसकी जगह हम ये रख देंगे, तो ये रख दिया हमने ए और बी वैल्यू डालकर। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा और ये आपके पास रह जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको आई वन ले लेते हैं, इसको आई टू ले लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको, तो देखिए ये I1 है हमारा, इसको हमने t लेट कर लिया, ये तो as it is है dt upon this, right? तो यहाँ पर आपका एक कट जाएगा, 1 upon t का integration log t, t की original value रख दीजिए, ये आपका I1 solve हो गया। Now I2, completing square बनाएंगे इसको, तो completing square बनाने के लिए x square का coefficient 1 होना चाहिए जो कि already है, then half of b, b की value है 2, half of 2 is 1, x square वाली term के बाद 1 का square add कर दो, constant term के बाद minus कर दो, ये बन गया formula, a प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 6, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर, इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, राइट, और एक्स की जगह एक्स माइनस वन ने लिया तो उसका डेरिवेटिव जरूर ले लीजिए। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा डियर, जो आई था हाफ ऑफ आई वन उसमें पुट कर दिया एंड जो भी आपके पास आई टू था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। चलिए अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है डियर, देखिए यहाँ पर आपने यही सेम 5x plus 3 equal to derivative of quadratic into a plus b, right? तो ये आ जाएगा आपका 2x plus 4 into a plus b, a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कंपैरिजन कर दीजिए, x का कोफिशियंट है 2a, यहाँ x का कोफिशियंट है 5, that means 2a equal to 5, right? तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 5 by 2। फिर आपके पास अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 4a plus b है, that is equal to 3, तो आपके पास a की वैल्यू डालने के बाद b की वैल्यू आ जाएगी minus 7। अब आप क्या करेंगे, 5x plus 3 की जगह ये रिप्लेस करेंगे और a और b की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 2x plus 4 a की वैल्यू देन b की वैल्यू। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो 5 by 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा minus 7, राइट, ये आ गया आपके पास, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा और यहाँ पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आई वन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाली चीज को हमने टी लेट कर लिया, ऊपर एज इट इज डी टी अपॉन दिस, ये से कट जाएगा, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज 2 रूट टी, और टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे हम लोग, राइट। चलिए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, आई टू, आई टू में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हमने इसी के अंदर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, बहुत अच्छी बात है, फिर क्या करना है हमें, हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू इज 4, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो बन जाएगा 2, तो
टू का होल स्क्वायर एक्स वाली टर्म के बाद एड और कॉन्स्टेंट टर्म के बाद माइनस। नाउ ये क्या बन गया आपके पास, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास रूट सिक्स का होल स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, दैट इज लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो वापस रख दीजिए अगर आपने एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है। इसके बाद आई वन और आई टू की जो वैल्यू थी वो आप वापस रख दीजिए जहां पर हमने आई लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आई वन और आई टू की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आई सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डियर। 24 आपके पास एमसीक्यू है, इसमें भी वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ठीक है। इसके बाद हम हाफ ऑफ बी यानी 2, हाफ ऑफ 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बन गया आपके पास आइडेंटिटी x plus 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो अगर आप देखेंगे तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर होते हैं लेकिन असलियत में वो आपसे पूरा कंसेप्ट ही पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये होता है कि अगर आपको एमसीक्यूज में आंसर देने होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होना पड़ता, आपको ऑप्शंस टिक करने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम कम बचता है, बट आपका काम आपको वही दिया जाएगा अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेम देखिए यहाँ पर आपके पास 25th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। हम रूट के अंदर रखकर ही इसको बना रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम अलग लेकर सॉल्व करते थे। तो आप देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से ये आगे होना चाहिए पीछे होना चाहिए, बस सबसे पहले हमने ये करा। फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो हमने इसमें से माइनस 4 कॉमन लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक तो हमने माइनस कॉमन लिया, एक 4 भी, ध्यान रखना, तो प्लस की जगह माइनस भी हो जाएगा और इसके नीचे 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बन गया, देन हाफ ऑफ बी, बी की वैल्यू है 9/4 इसका होल स्क्वायर, दैट इज बिकम 9/8, तो हम इसमें ऐड भी कर देंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये बन गई आपके पास आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज। अब ध्यान से सुनिएगा डियर, आप 4 तो रूट से बाहर ले सकते हैं, दैट इज 2, वो तो हमने बाहर ले लिया और ये 1 अपॉन 2 बाहर भी आ गया, बट नेगेटिव रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव को वापस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये आगे आ गया और ये पीछे हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। नाउ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट। तो आपके पास ये एलसीएम लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 8x माइनस 9 अपॉन 8 एंड दैट इज 9 अपॉन 8, 8 से 8 कट जाएगा और ये आंसर आपके पास आएगा, दैट इज योर ऑप्शन बी। तो डियर आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।